पानी बोतल चले बालो पानी बोतल चले बालो सुई से भाई बेचैन हो गया सिवान में नहीं खटी पत्ता जा जा भाई रास्ते में ठीक सिवान में कोनो पोटी सन कोनो पोटी सन नहीं छे ना सब जो आंधी जाएगा उमर के आएगा खाली पानी ओ में से आदमी तो मत के नहीं खेवा हमरा लइका के पानी चढ़ावला खुलो लइका हम ठीक है बैठ रहे कहता जे माई काहे के ले रहा हम ठीक है वाली फिर भी हम पानी के सब लइका आई तो खिलावा विरोध है ताकि हम लेके आप के आपस जाए फूल डॉक्टर साहब बोला तारे जे एकरा के एगो पानी चढ़ा दो ओ में एगो सुई डाल दो सुई परल त लइका हमार बेचैन में हो गइल बा ओही जी कपड़ा फारे लागल बा फिर बोला तनी जे सर ओकरा के सुई दवाई नीमन दी जे हमार लइका नीमन हो हॉस्पिटल में और तबीयत खराब हो आदमी हो गइल बा पूरा बेचैन में बोला तो आपको पता है जल्दी हटाओ तो होता है हॉस्पिटल में हम करीब एक तो आदमी बनी 18 साल के बोपे रोले हमार हर बोपे इम्पे रोले ले बनी बोपे के मोटरसाइकिल बोपे हमारे एक सीमान में बोले खाली लोग का काला बजे गांव में आदमी दांत पी के मरोल बार हम तो पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप लोगों को सबको मुआवजा मिले। दारू यहाँ बिक रही है, दारू जब बिक रही है तो दारू बॉर्डर पर सुना रहा है ना, तो बॉर्डर पे आदमी घूस देता है तभी ना पुलिस छोड़ता है। अगर वहाँ पे पुलिस अगर टाइट रहेगा तो दारू आपसे कोई नहीं आएगा, बिहार में आएगा नहीं आएगा। तो हमारा कहना यही है कि दारू बंद करा पूरी तरह से बंद कर दे, पूरी तरह से बंद कर दे। ये अंधी बहरी सरकार है और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई अब पूरी फाइनल लड़ाई होगी। ये पूर्ण है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के अहंकार और उनके राजनीतिक अस्थिरता का परिणाम है। सत्ता और कुर्सी के लिए वो जिस तरह से बिहार को प्रशासनिक अराजकता में डाल दिए हैं, आज छपरा के अंदर इतनी बड़ी घटना घटित हुआ, अगर जो ईमानदारी से उस पर पहल होता, समाधान यात्रा पर आए थे, उसकी समीक्षा करते, तो आज सिवान के अंदर ये घटना घटित नहीं होता। आज वहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी हर थाना से लाखों रुपया मंथली डाक बोल करके वसूलता है। अभी बता रहे थे मृतक परिवार के लोग, अभी जनक जी भी आए हुए हैं, वो भी कह रहे थे कि मृतक परिवार के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ सब दिन मिलते रहा बाजार के अंदर। आज जनक बिंद जी के 5 बच्ची एक लड़का है छोटा छोटा, इस अनाथ बच्चा का क्या दोष है, इस विधवा का क्या दोष है? मुख्यमंत्री जी पाप आपने किया है, गृह विभाग आपके जिम्मे है और आपके पुलिस पदाधिकारी खुल के दारू बिकवा रहा है। यहाँ पर बैठा हुआ पदाधिकारी टॉप रैंक पर पदाधिकारी पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, ये मुख्य सचिव यहाँ के हैं, अमीर सुभानी जी आपके जिला है और खुल के पदाधिकारी दारू बेचवा रहा है। एक छोटा बच्चा पूछ रहा था, वो मांझी का बच्चा, कि कैसे शराब आता है जिले के अंदर, कहाँ है आपका प्रशासन, कोई जवाब है आपके पास? और मुआवजा देने के नाम पर आपका कितना संवेदनहीन विषय बात करते हैं कि जो पिएगा सो मरेगा, पीने का वातावरण कौन बना रहा है? ये सरकार पूरी तरह से फेल है, इसके नीति फेल कर चुका है, क्योंकि नीयत में खोट है। खुल करके सत्ता में बैठे लोग दारू बेचवा रहे हैं, दारू और बालू के मैक्सिमम माफिया इनके लोग हैं। आप सिवान छपरा में आए, हम तो प्रतिपक्ष के नाते सवेरे सवेरे आग्रह किया था कि आप समीक्षा करिए, सैकड़ों लोग मरा है, कई लोगों की आंखें की रोशनी चली गई, कई लोग बीमार है। और अभी बचा रहा था वो मांझी के बच्चा के हॉस्पिटल में गया और वहां पर और ज्यादा परेशानी बढ़ गई, कोई इलाज नहीं, सिर्फ पानी लगा देता है और वो मौत का स्थल बन गया है हॉस्पिटल। क्या हो रहा है, ये तमाशा बिहार को बना दिए हैं। इन सब को मुआवजा दीजिए और जितने भी जहरीली शराब से मृत्यु हो या अपराधियों की गोली से मृत्यु हो, उसके परिवार को मुआवजा और रोजगार में प्राथमिकता दीजिए।
मुख्यमंत्री जी, ये आवाज फिर सड़क से सदन तक जाएगी और आपके जैसे निकम्बे लोगों की सरकार बिहार में नहीं चल पाएगा। सर, कितने लोगों की मौत हुई? 5 लोगों की मौत प्रशासन बता रहा है, लेकिन यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 9 लोगों की मौत हुई है। अभी हम लोग को भी आप ही लोग के माध्यम से यहाँ स्थानीय लोग ने भी बताया है कि 9 लोगों की मृत्यु हुआ है, कई लोगों 12 लोग का बता रहे हैं ये लोग। सर, इतने लोगों की मौत हो रही है, क्या नीतीश कुमार को उनको इस्तीफा देना चाहिए? कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और हमने तो पहले भी कहा था छपरा के घटना में, क्या आप समाधान यात्रा पर जा रहे हैं या आप समस्या पैदा कर रहे हैं? समाज के अंदर में जो आपके गलत नीति के कारण और सत्ता में जो अपराधी भ्रष्टाचारी की भागीदारी है, जो खुलकर शराब बेचवा रहा है, शराब माफियाओं पर आप अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। हमने तो सीबीआई की जांच का मांग किया था छपरा के अंदर, आपने क्यों नहीं सीबीआई की जांच करवा रहे हैं? क्योंकि आपके सत्ता में बैठे लोग पकड़ाएंगे, आपके उच्च पद पर बैठे पदाधिकारी का संरक्षण इन माफियाओं का है, वो भेद खुलेगा। ये सरकार पूरी तरह से बिहार की जनता के साथ बदले के भाव में काम कर रही है। कितने दिनों के मेहमान है ये सरकार को, अब 1 घंटा भी रहना। सर, यहाँ पर जो है लगभग अभी ना यहाँ पर लगभग 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कितना उम्र था? अरे छोटा पापा हमारे, उनका पापा बड़े थे, मेरा पापा छोटे थे, दोनों चले गए। संडे वाला दिन बड़े पापा की मौत हो गई, आज वाला दिन पापा का वही मेरे। दूसरा जिनका आज भैल का नाम रहा सुरेंद्र मरज से बोल रहा है, छोटा है क्या? पोस्टमार्टम करा करके मुआवजा की हम लोग भी लड़ेंगे, आप लोग यहाँ प्रशासन में हम बात करते हैं। पीछे मुर्दाबाद।